خدیجہ کی دولت میں مشیت شامل ہے. اتنی دولت کہاں گن سکتی ہے؟ میر صاحب کہاں شامل ہو سکتی ہے؟ چھوٹی سے چھوٹی مثال دوں تو خدیجہ کی دولت کی جگہ ایک روایت ہے کہ ایک ہزار ہمن دستہ تھا. ہمن دستہ جس میں دوائیاں کوٹی جاتی ہے, حکیموں کے پاس ہوتا تھا پہلے, تو وہ سونے کا تھا ہزار, جس میں صرف بی بی کے نوکروں کی دوائیاں بنتی تھی. جو ہے لوگ ان کو تو مایوس نہ لوٹا ہے, یعنی بہت بڑے بندے سے روایت ہے, بہت بڑے بندے سے جو سچا بندہ ہے, صدیق اس کا لقب ہے, مسلمانوں کا پہلا خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق سے روایت ہے, تو اس سے بڑا بندہ کہاں سے لوگ جو سے روایت پیش کرے. وہ کہتا ہے, وہ کہتا ہے روزانہ جناب ملک کا تو لارا صدیق اکبر کہتا ہے کہ میرے قد جتنا سونے چاندی ہیرے جواہرات کا ڈھیر لگاتی تھی اور حسین کے نانا کو بلا کر ساتھ کھڑا کرتی تھی, نالین مصطفیٰ کے ہاتھ رکھ کے کہتی تھی یہ تیرا صبح صبح صدقہ نکالا ہے, رکھ لے. Come on.
ना ना पढ़ो पढ़ो कितने आधा घंटा गुजर गया। बिस्मिल्लाह कितना बड़ा रईस था अब्दुल ताल का कि जब जनाब मलिक अंदर की डोली आई शादी के बाद खातून ने अव्वल है अली से लेकर टाइम पर रिसोर्ट का सलाम करते हैं थोड़ा मकाम है इधर वाले जो बैठे हुए समझा जीते रहे आप सलामत रहे क्योंकि जवानों के लिए मैं पढ़ता हूँ छोटा मकाम है। बीवी का नाम है खदीजा। खदीजा उस बच्ची को कहते हैं छह महीने से पहले दुनिया में आ गया। अगर बेटा हो तो उसे खदीज कहते हैं बेटी हो तो खदीजा क्योंकि छह महीने नहीं हुए थे तो बीवी दुनिया में आ गई वो छह महीने से पहले छह महीने से पहले जो बच्चा दुनिया में आ जाए वो बचता नहीं। तो बीबी की जो वालदा थी जनाब खदीजा के वालिद से कहा कि छह महीने से पहले आ गई है जनाब तो कितने देर जिंदा रहेगी चलो इसे खदीजा कहना शुरू कर दो क्योंकि छह महीने से पहले ये खदीजा है। एक दिन गुजरा दो दिन गुजरे तीन दिन गुजरे महीना गुजरा दस अल्लाह से पूछा और आपके साथ एक मौला से कि मौला छह महीने से पहले किसके लिए तुम्हारा कहें आपके लिए कह रहे हैं छह महीने से पहले अल्लाह ने जनाब मलिक अंदर आपको दुनिया में क्यों भेजा। सरकार साहब फरमाते हैं क्योंकि बच्चा माँ के शिकम में छह महीने के बाद खुराक लेना शुरू करता है और उसमें खुराक बनती है माँ का लहू और खून होता है नजर से। अल्लाह ने खदीजा को पहले जमीन पर भेज दिया ताकि ये वो लहू वाली खुराक हासिल न करे क्योंकि इसने फातिमा की माँ बनना पाया होवे काले कपड़े भी पाए और कड़ी भी पाई होवे दाग ना देवे तलाशी दे देवे ना